अरे मुबारक हो बेटा। किस बात की? अरे अपनी शायदा के लिए रिश्ता नहीं आया था, आज वो पक्का कर गई है। ले मिठाई खा। वो बुड्ढा हुआ डेढ़ उम्र वाला ना, तो आपने हाँ कर दी। तो अपनी शायदा कौन सी बच्ची है, अगले बरस पूरे 40 की हो जाएगी। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझ बेवा में अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं उस कुंवारी बूढ़ी का बोझ उठा सकूं, समझा? चलो जैसे आपकी मर्जी, लेकिन शादी के लिए एक साल का वक्त मांगू। लड़का एक महीने को भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगले महीने वो दुबई जा रहा है और जाने से पहले वो शादी करके जाना चाहता है। अरे मिठाई तो खा ले ना, खा जा। क्यों बार बार फोन कर रहा है तू? दिल चाह रहा है तुझसे बात करने को। तो अपने दिल को ना समझा, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। देख लेकिन हम बात तो कर सकते हैं ना। नहीं कर सकते हम बात। इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही तुझे? देख मैं अपनी गलती मानता हूँ, मगर तू मेरी मजबूरी को भी तो समझ यार। अब जाके बाजी का रिश्ता हुआ है, वो भी एक अंकल से। ये समझने ना समझने से क्या फर्क पड़ता है? अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, और वैसे भी वक्त हमारे हाथ से निकल चुका है। मैं जानता हूँ कुछ नहीं हो सकता। छोटू भी उठ गया है। अगर तू वाकई मुझसे कभी प्यार करता था तो तुझे उस प्यार का वास्ता। आइंदा मुझसे रब्ता करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। खुदा ना खास्ता शकी शोर को अगर ज़रा सी भी भनक पड़ गई हमारे बारे में तो वो ज़रा वक्त नहीं लगाएगा मेरी जान लेने में। वैसे भी बात बात पर आजकल मारपीट करता है, बस तो खुदा के लिए मेरी जान बख्श दे। क्या यार इसको चुप कराओ, इतना शोर कर रहा है। जी। बेटा वो नया कार्टन में माल पड़ा हुआ वो भी ला के रखो इधर। जी हाजी साहब, वो मैंने बहन की शादी का बताया था ना आपको। बेटा वो रैकों में लगा दो माल, खाली पड़े हुए होते हैं, ध्यान ही नहीं होता। हाँ तो कब है? जी एक महीने बाद। एक महीना पड़ा हुआ है? अरे तीन चार दिन पहले बता देना। हाजी साहब वो तैयारी भी तो करनी होती है ना। वो इरफान भाई ने कहा था कि वो अब्बू से डायरेक्ट बात कर लेना। बात कर ली, अब जाके अपना काम करो। सुनो रेको का आर्डर दे गया तुमने? मट्टी से हटे हुए कस्टमर आएंगे क्या देखेंगे, साफ करो इनको। जी। कहाँ शार्ट है भाई? मैं आपको ही ढूंढ रहा था। किधर है? शार्ट वार्ट नहीं हूँ। फिर मसला ये है कि दूसरे पंगे है ना, मैं यही हूँ मैम, यही जीना यही मन। नहीं नहीं सब खैर तो है ना, बाजी की शादी है वो। फिर एक महीने बाद तो कुछ पैसे उधार मिलेंगे, एक महीने में लौटा दूंगा। महीने महीने का मसला नहीं है दादा, तुझे पता है तेरे भाई ने इलाके वालों की वैसे ही कितनी खिदमत की है यार। आजकल ना हालात थोड़े टाइट हैं, बड़ी बहुत है, बड़ी मुश्किल है इस वक्त। कुछ नहीं हो सकता। अबे एक काम करना, तू हाजी साहब से क्यों नहीं ले लेता? बड़ा पैसा बना लिया हाजी साहब ने, आज उमरा सब चल रहा है हर साल का। और अभी तो मैंने सुना है
डिफेंस में मंगा भी ले लिया आदि साहब। यार वो बड़े शूम हो गए हैं, इस बार तो रमजान का बोनस भी नहीं दिया हूँ। अबे बोल तो आदि साहब का गेम बजाने। अरे नहीं नहीं क्या बात कर रहे हो दफ्तर भाई। अरे यार बड़े आसान है उनके मुझ पर, जब अब्बा का इंतकाल हुआ था उसके बाद उन्होंने ही बच्चे को नौकरी पर रखा है। तो कौन सा तेरी रात पे आसान क्या है, बच्चा काम नहीं कर रहा क्या, और बच्चे की तो सैलरी ऐसे भी कम होती है। हाँ बोल। अबे क्या इसी काम के लिए रखा हुआ है क्या, हर वक्त पैंपर ला दो, मुन्ना बिस्किट ला दो, दिमाग को जलील करके रख दिया है। चल अभी फोन रख, ला दूंगा मैं। हाँ हाँ ला दूंगा, अभी बिजी हूँ, चल। भाई तू देख ले, अगर कहता है तो हाजी साहब का गेम बजा देते हैं, वरना भाई तू मांगता है बस, मिलना मिलाना कुछ नहीं है। ब्यूटी पार्लर गई है आईब्रो बनवाने के लिए। बेटा पैसों का कुछ इंतजाम हुआ? नहीं अम्मा, सब घुमा रहे। देख ले बेटा, पहले ही वक्त बहुत कम रह गया। अगर ये रिश्ता भी हाथ से निकल गया ना, तो पहले मैं शायदा को जहर खिलाऊंगी, उसके बाद मैं खुद जहर खा लूंगी, देखना तू। अरे अम्मा खाना तो खाने दो यार। तो खाना, दिल भर के खा, मैंने कौन से तेरे हाथ रोके, मगर कुछ कर भी तो। दीदी आवाज आ रही है? हेलो। अबे बाथरूम से तो निकलने दे, आवाज आ रही है अब? हाँ जफर भाई, वो मैं पूछ रहा था कि हाजी साहब का गेम हम बिना तकलीफ पहुंचाए बजा सकते हैं? अबे कुछ नहीं होगा, दोनों भाई साथ चल देंगे। हाँ खर्चा भी कम है और प्रॉफिट भी आधा आधा। अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया तो? अबे कोई नहीं पहचानेगा, मास्क वास्क ले लियो ना। हाँ ठीक है। हेलो मतलब कुछ बोलो भी, तुम रो रही हो, क्या हुआ, क्या बात है, फिर मारा है उसने? बस मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ। पागल हो गई हो तुम, क्यों कर रही हो ऐसी बातें? अब मुझे नहीं लगता कि मेरे जीने का कोई मकसद है, जिंदा लाश बन के रह गई हूँ यहाँ पे। सारा दिन काम करो, बच्चे पालो, और उसके बाद मोहब्बत की जगह थप्पड़ खाने को मिलता है। तुम उस खबीस आदमी से खुला क्यों नहीं ले लेती हो? तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ इतना आसान है? तुम जानते नहीं हो मेरे ससुराल वालों को, बहुत बहुत ही घटिया लोग हैं। देख सदफ, मैं हूँ तेरे साथ, तू हिम्मत रख, मिल के देख लेंगे दुनिया। तुम समझते क्यों नहीं हो, अब मैं तुम्हारे तो क्या किसी और के भी काबिल नहीं रही। उस इंसान ने मेरे जिस्म के साथ साथ मेरी रूह को भी जख्मी कर दिया है। सतर्क तू क्यों कर रही है ऐसी बात? देख तू हौसला रख, मैं हूँ तेरे साथ, मैं हूँ ना। अच्छा ठीक है मैं फोन रखती हूँ, लगता है वो आ गया है, तुम मुझे भी फोन मत करना। देख तू अपना ख्याल रख।
हाँ भाई आ गया। हाँ चल। अरे कोई मसला नहीं है, तुम मेरे पास आ जाना, माल वाल मैं सब डलवा दूंगा तुम्हारी दुकान। क्या हो गया? क्या कुछ नहीं है, निकाल निकाल भाई निकाल। हाँ हाँ निकाल। अरे चाचा ये नहीं, बैंक से जो लिफाफा लाया वो निकाल के दो यार। बेटा बात तो जरूरी तो नहीं है कि मैं तेरे बच्चों की शादी में नहीं आई तो तू भी नहीं आएगी। आना जरूर है, 100 काम होते हैं घर के, अकेली पड़ जाऊंगी भाई, मेरे साथ कौन है काम करने वाला। हाँ बस दुआ करो अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। हाँ ना देखो मैं भी अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो जाऊंगी ना। हाँ चलो क्या हुआ बेटा, सब खैरियत तो है? नुमान बेटा नुमान, तो शादी हो जाएगी ना बहन की, पैसे मिल गए। नौमान क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? ठीक है ना बेटा, क्या हुआ? नुमान 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 मान
क्या हुआ बेटा, खैरियत तो है? जी हाजी साहब का बेटा इरफान आया तुमसे मिलने। क्यों? मुझे क्या पता, कह रहा है काम है तुमसे कुछ, जाकर मिल लो उससे। मैंने भी कहीं जाना है। अबू ने इंतकाल से एक हफ्ते पहले कहा था कि नुमान के बहन की शादी है, तो शादी के लिए पैसे रखे थे। जी वो मेरा इंतजाम तो हो गया, मगर ये पैसे तो तुम्हें रखने पड़ेंगे, खास तुम्हारी बहन की शादी के लिए। अबू की ख्वाहिश थी ये पैसे तुम्हें, हत्ता कि हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें लेते वक्त तुम्हारा ही नाम ले रहे थे, शायद वो यही कहना चाह रहे थे ये पैसे तुम्हें। अच्छा मैं चलता हूँ, अब्बा की मखलूक की दुआ करना। अल्लाह हाफिज़।